हिमाचल प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के बाद तो लाखों नौजवान जो बाहरी प्रदेशों में नौकरी कर रहा था, बेरोजगार होकर घर में बैठने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन भाजपा सरकार इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की जगह बाहरी लोगों को प्रदेश में रोजगार देने की बात कर रही है। ये प्रदेश के युवाओं का मजाक सरेआम उड़ाया जा रहा है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीप शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, वर्तमान भाजपा सरकार हिमाचली बेरोजगार युवाओं के बारे में ना तो सोच रही है और ना ही कुछ कर रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो प्रदेश के बेरोजगारों के लिए विशेष योजना बनाकर रोजगार दे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जयराम सरकार ने अभी तक प्रदेश के मजदूरों, किसानों, बागवानों, युवाओं को कोई विशेष आर्थिक सहायता भी नहीं दी है। आज प्रदेश सरकार ने मीडिया के माध्यम से बयान दिया है कि बाहरी राज्यों के लोगों को प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा। ये बयान भारतीय जनता पार्टी सरकार का हास्यास्पद है। प्रदेश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और कोरोना महामारी के बाद बाहर के प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश के जो युवा काम करते थे वो भी बेरोजगार होकर अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है वो ख़त्म हुआ है और ये सरकार बाहरी लोगों को रोज़गार देने की बात करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को सलाह है कि आप हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने के लिए योजना बनाएं और जब तक आपकी योजना बने तब तक आप इन बेरोज़गारों को कम से कम 7500 रुपया, 7500 रुपया महीने का जो है वो भत्ता दें ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। आज हिमाचल प्रदेश का युवा इस वक्त कुंठा में है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में चाहे वो युवा की बात हो, बेरोजगार की बात हो, किसान, बागवान, मजदूर की बात हो, हर वर्ग, छोटे व्यापारी की बात हो, लघु उद्योग की बात हो, सभी इस वक्त इस कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद आर्थिक तौर पर संकट में है। सरकार से हम बहुत बार निवेदन कर चुके हैं, हम फिर निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं सरकार से कि इन सब लोगों के लिए आर्थिक पैकेज के रूप में इनके खाते में पैसे डालिए, तभी इन लोगों का और प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। इस ढंग से अगर आप सिर्फ ड्रामाबाजी करेंगे और सिर्फ शोशेबाजी करके आप सिर्फ घोषणाएं करेंगे और बाहरी राज्यों की बात करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आज भी कैबिनेट की बैठक जो है वो प्रदेश की हो रही है, हर महीने कई बार जो है वो प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार की बैठकें तो होती हैं, निर्णय तो लिए जाते हैं, लेकिन वो निर्णय कभी भी लागू नहीं होते। जितने भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं आज दिन तक, जितनी बैठकों में, कोई भी निर्णय ये लागू नहीं कर पाए हैं। ये सरकार जनता की नज़र में रोल बैक सरकार और कट पेट सरकार के रूप में जो है वो सामने आ रही है। लोग अब कहने को मजबूर हैं कि ये रोल बैक सरकार है, कट पेस्ट सरकार है, जो मोदी जी कहते हैं बस उसको यहाँ पे आकर आप जो हैं वो भाषणबाजी करते हैं, बाकी सही माने में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमारा ये सरकार से निवेदन है कि महामारी बहुत बढ़ रही है, आप इसके रोकथाम के जो है वो बंदोबस्त कीजिए। अभी तक का पूर्णतः सरकार कोरोना के संबंध में इसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। कोई तरीका अपनाइए और किस ढंग से इसको रोका जाए इसके बारे में गंभीरता के साथ आप विचार कीजिए और प्रदेश के लोगों को आर्थिक तौर पर सहायता दीजिए ताकि प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और किसान, बागवान, नौजवान, बेरोजगारों को जो है वो उनको बचाया जा सके।